काली महल चौराहे पर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस जनों ने हाथरस कांड में मृतकों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बता दें कि हाथरस में हुए मौत के तांडव पर कांग्रेस जनों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 122 के करीब श्रद्धालु की मौत का समाचार अत्यंत दुखद है। हम सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। वहीं कांग्रेस जनों ने योगी सरकार से अनुरोध किया कि घायलों को हर संभव चिकित्सा उपचार और मौत का तांडव बने इस कांड में प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करें। कांग्रेस जनों ने कहा कि इस विभत्स कांड ने हाथरस प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। व्यवस्थाओं की चूक के कारण ही मौत के तांडव का नजारा सामने आया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अपना परिचय बताइए। मैं निहाल अख्तर बाबू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो हाथरस में दुखद घटना कल हुआ है, 150 के लगभग आदमी मर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राजीव गांधी पार्क के नीचे कैंडल जलाकर जो मरे हुए हैं व्यक्ति और जो घायल हुए हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया है कि वो जल्द से जल्द ठीक हों, और हमारी मुगलसराय की जनता की तरफ से भी उनके लिए श्रद्धांजलि का जो प्रोग्राम रखा गया है। अपना परिचय बताइए। मैं दशरथ चौहान, शहर उपाध्यक्ष मुगलसराय शहर कांग्रेस कमेटी। क्या आज कार्यक्रम हुआ है? आज हाथरस में जो हादसा हुआ, हाथरस में जो हादसा हुए थे उन्हीं को बड़ा दुख हुआ करते हुए हम लोग राजीव गांधी जी की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाकर हम लोग जितने लोग शहीद हुए, जितने लोग वहाँ मृत्यु हुए हैं और जितने लोग घायल हैं, हम भगवान से कामना करते हैं जो मृत्यु हो गए हैं उनकी आत्मा को शांति जो हो, जो जो वो बीमार हैं जो भी वो सही हो, भगवान से मैं यही कामना करता हूँ।